शादी करना हर लड़की का सपना होता है। हर लड़की चाहती है कि उसकी शादी एक अच्छे और समझदार इंसान से हो, लेकिन कैसा होगा जब कोई लड़की बिना दूल्हे के शादी कर रही हो? ये सुनना शायद अजीब हो सकता है, लेकिन सच है। गुजरात के वडोदरा में रहने वाली 24 साल की क्षमा बिंदु 11 जून को शादी तो करने वाली है, लेकिन किसी लड़के से नहीं बल्कि खुद से। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है, तो आपको बता दें कि इसे सेल्फ मैरिज या सोलोगैमी मैरिज कहा जाता है। दरअसल भारत में होने वाली यह पहली सोलोगैमी शादी है। इस शादी को लेकर होने वाली दुल्हन क्षमा का कहना है कि मैं कभी भी शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन दुल्हन बनने का सपना मैंने हमेशा से देखा है। ऐसे में मैंने दुल्हन बनने के लिए खुद से शादी करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि सेल्फ मैरिज खुद से प्यार करने वाली शादी है। जैसे हर कोई किसी न किसी से प्यार करता है, वैसे ही मैं खुद से प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने इस शादी का फैसला किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्षमा ने शादी के बाद हनीमून का भी प्लानिंग कर रखी है। हनीमून के लिए वो गोवा जा रही है। क्षमा ने बताया कि उसके इस फैसले से उनके परिवार को कोई आपत्ति नहीं है। उनके माता पिता खुले विचार वाले हैं और उन्होंने क्षमा को आशीर्वाद भी दिया है। अब जानिए कि सोलोगैमी मैरिज क्या होता है। सेल्फ मैरिज या सोलोगैमी खुद के साथ ही शादी करना कहलाता है। इसकी शुरुआत करीब 2 दशक पहले हुई थी। ये चर्चा में तब आया जब फेमस प्रोटोगोनिस्ट ने खुद से शादी करने का ऐलान किया था। इसके बाद कई लोगों ने इस शादी को तवज्जो दी। फिर जब कोरोना काल आया तो लोग अपने घर में कैद होने पर मजबूर हो गए, जिसको लेकर तब इस मैरिज में बढ़ोतरी भी देखने को मिली। इसके साथ ही कई मशहूर सितारे अपने पार्टनर से शादी करने से पहले खुद से शादी कर चुके हैं, लेकिन कानूनी तौर पर देखा जाए तो इस तरह की शादी को कोई मान्यता नहीं दी जाती है। आप भी सुनकर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि भारत में यह पहली शादी है। शादी करना हर लड़की का सपना होता है। हर लड़की चाहती है कि उसकी शादी एक अच्छे और समझदार इंसान से हो, लेकिन कैसा होगा जब कोई लड़की बिना दूल्हे के शादी कर रही हो? सुनने में थोड़ा अजीब आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। गुजरात के रहने वाली 24 साल की क्षमा बिंदु 11 जून को शादी तो करने वाली है, लेकिन किसी लड़के से नहीं बल्कि खुद से। इस शादी को कहा जाता है सोलोगैमी मैरिज, जो खुद से शादी करती।